दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी अजय देवगन की फिल्म भोला, जिसको सिनेमाघरों में आज 15वां दिन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की गई थी कैथी फिल्म। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अजय देवगन की फिल्म भोला कैथी फिल्म का रीमेक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोला फिल्म के पूरे 15 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। भोला फिल्म अपने 15वें दिन इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए कमाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि कैथी फिल्म अपने 15वें दिन इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो गया था। इन दोनों फिल्मों में से अपने 15वें दिन कौन सी फिल्म है कमाई के मामले में आगे, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ही मत। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे भोला फिल्म के 15वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा भोला फिल्म अजय देवगन की डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म है। फिल्म का बजट था लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब। बता दी कि दोस्तों जिस तरह इस फिल्म को लेकर उम्मीदें थी, अगर उस उम्मीदों पर ये फिल्म उतरा होता तो कभी का ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो चुका होता। अपने उम्मीदों पर ये फिल्म बहुत ही खराब उतरा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 2019 में रिलीज हुई थी ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी, उसी फिल्म का एक रीमेक है। फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ साथ तबू मैम लीड रोल में देखने को मिली थी। यकीन मानिए जिसने भी इस फिल्म को देखा है उसके मुंह से सिर्फ यही सुनने को मिला है कि फिल्म में हमें इन दोनों की एक्टिंग और परफॉर्मेंस काफी शानदार लगा। बता दी कि दोस्तों भोला फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में नेट कलेक्शन से 11 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने में कामयाब हो गया था। तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड से कलेक्शन हो चुका था 16 करोड़ 50 लाख रुपए अपने पहले ही दिन। दोस्तों अगर बात करें फिल्म के 15वें दिन के कमाई के बारे में यानी कि आज, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिल्म के कलेक्शन में हमें काफी दिनों से गिरावट देखने को मिल रहा है। बता दें कि दोस्तों आज भी फिल्म के कलेक्शन में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। आज ये फिल्म इंडिया में नेट कलेक्शन से लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपए कमाने वाला है। तो वही फिल्म का अपने पूरे 15 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है 78 करोड़ 46 लाख रुपए इंडिया से। तो वही फिल्म अपने पूरे 15 दिनों में पूरे वर्ल्ड से कमा रहा है 107 करोड़ रुपए के अराउंड। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कैथी फिल्म के 15वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता चलूं कि लोकेश कंगराज के डायरेक्शन में फिल्म बनी थी, जिसका बजट था लगभग 25 करोड़ रुपए के अराउंड। बता दी कि दोस्तों जिस तरह इस फिल्म का बजट था उस हिसाब से इस फिल्म ने बहुत ही ज्यादा शानदार कमाया था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में नेट कलेक्शन से 5.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड से कलेक्शन हो गया था 10 करोड़ 50 लाख रुपए। दोस्तों अगर बात करें कैथी फिल्म के 15वें दिन के कमाई के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कैथी फिल्म ने अपने 15वें दिन इंडिया में नेट कलेक्शन से 3 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो वही फिल्म का अपने पूरे 15 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया था 65 करोड़ 4 लाख रुपए इंडिया से। तो वही फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से कमा लिया था अपने पूरे 15 दिनों में लगभग 96 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी।